पश्चिम चंपारण के सेमे डुमरी के लोग सदियों से बड़े जमींदारों के द्वारा शोषण के शिकार होते रहे हैं, जो आज भी जारी है, जिसमें मुख्य तौर पर डुमरी से जमुनी जाने वाली सड़क लगभग 15 वर्षों से अवैध रूप से जमींदार आशीष प्रसाद वर्मा कब्जा करके खेती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राम के छोटे किसान अवध बिहारी खोजवार टेक बहादुर और अफल माझी ने निजी जमीन में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत पक्की रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, जिस रोड की चपेट में इन किसानों का जमीन आ रहा है। देखिए, ये जो सड़क बन रहा है यह कई लोगों के खतियाने जमीन में पड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी सड़क को बनाने के लिए पूरे गांव के सहयोग से इस सड़क को हम लोगों ने निकाला था, लेकिन फिर से उस पर कब्जा करके एकदम पतला सा छोड़ दिया गया है, और ये जो इधर खतियाने वाला जमीन है इसी पर अब पक्की सड़क बनने जा रही है, तो इसमें अब फिर खतियाने जमीन में ही आ रहा है। जबकि उसके बगल में जो है गर्मजरुआ जमीन है, सड़क की जमीन है, उस पर दबंगता के सहारे वो आशीष प्रसाद वर्मा जोत रहे हैं। एक साल पहले हम लोगों ने जो कार्रवाई किया था, रोड बन निकाला था, उस पर फिर से खेती कर रहे हैं। और बच्चे सब जहाँ तक मिट्टी भराई हुआ है उसके दक्षिण साइड में फील्ड है, जिसमें बच्चे सब जाते हैं, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और अपना कार्यक्रम भी वहाँ करते हैं। तो क्या ये फील्ड भी रोड की चपेट में आ रही है क्या? फील्ड भी अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, ये बच्चे सब का फील्ड भी हड़प लिया जाएगा, इसमें रोड बन जाएगा। हम चाहते हैं कि जो पक्कीकरण रोड का हो रहा है वो उस पार जाए, जो गर्मजरुआ सड़क है, गर्मजरुआ जमीन है, जो सड़क का जमीन है उस पर बने, नहीं तो यह कई खतियानी जमीन धारियों को उनका हक, उनका जमीन छीन जाने का डर है। इसलिए हम लोग इसके लिए कई जगह एप्लीकेशन किया है, जैसे कि सीओ के पास जाकर आवेदन किए कि ये जो आम गर्मजरुआ जमीन है उस पर सड़क निकाले। उसके बाद एसडीओ के पास भी फैक्स किया गया, मेल किए हैं, और डीएम के पास भी मेल किए हैं, और लेकिन अभी तक कार्रवाई तो नहीं हुआ है, लेकिन सीओ साहब उम्मीद दिए हैं कि यह आपकी जो समस्या है उस पर आप लगिए, आपका समस्या सॉल्व होगा। हम रुपये में जब सारा जांच आ जाएगा उस पोजीशन में जिनका सही होगा उनका साथ होगा, और इनका रैयती जमीन होगा तो उसको रोड नहीं बनेगा जी। ना अगर सरकारी जमीन निकलेगा तो उसको बने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं रोड बने, लेकिन पुराना जो रोड था उसमें बने, किसी का खतियानी जमीन में तो नहीं बनाना चाहिए। मैं इस समुदाय की एक महिला हूँ, मेरे भी परिवार इन छोटे किसानों के साथ इस समस्या का दंश झेल रहे हैं, इसलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। मैं सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि इन किसानों की रेती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में आप हमारा साथ दें। जिनके लिए अंचलाधिकारी कौशल किशोर सिंह, जिनका नंबर है 9431826712, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाए, ताकि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वह पक्की सड़क का निर्माण कराया जा सके। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से।